छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। यहाँ के करीब 12 से ज्यादा जिलों में गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा खत्म हो गया है। इस वजह से आज उन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी। इसको लेकर विपक्ष ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के अभियान को बड़ा झटका लगा है। रायपुर समेत दर्जन भर जिलों में आज से इस वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा, जबकि बीपीएल, अंत्योदय और फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन का काम सामान्य तरीके से जारी है। इस मामले में बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में आज से 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया। कब शुरू होगा भगवान ही नहीं जानते। प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है, आपने कौन सी कंपनी को कब ऑर्डर कितने टीके का दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।